हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन हब। आज हम कबाब बनाएंगे। ये कबाब मैंने काले चने से बनाए हैं। इनको बनाना बहुत आसान है और साथ ही ये टेस्टी और न्यूट्रिशियस भी हैं। इनको बनाने के लिए मैंने काले चनों को ओवरनाइट भिगोकर रखा हुआ था और सुबह मैंने प्रेशर कुकर में पानी में नमक डालकर इनको सॉफ्ट होने तक बॉयल कर लिया है। उबले हुए चनों को मैंने छान लिया है और ऐसे दो बाउल में यहाँ पर यूज़ करूँगी। छने हुए चनों की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लेंगे। क्योंकि हम चनों में बिना पानी डाले इसको मिक्सी में पीस रहे हैं तो हमें एक स्मूथ पेस्ट नहीं मिलेगा बल्कि रफ़ टेक्सचर वाला मिक्सचर बनेगा। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, एक टुकड़ा अदरक, 3-4 लहसुन, 3-4 हरी मिर्च, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। रफ़ टेक्सचर और रफ़ टेस्ट वाले काले चने के कबाब को सॉफ्टनेस और थोड़ी सी स्वीटनेस देने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैश पनीर यूज़ किया है। इसके साथ ही हमें चाहिए एक चम्मच अमचूर, नमक, मिर्च, गरम मसाला और भुना हुआ जीरा। ये मैंने एक एक चम्मच ही यूज़ किया है। सारे मसाले और इन्ग्रीडियंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले मिलाने के बाद इस टाइम हम मिक्सचर में नमक टेस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो लहसुन को अवॉइड कर सकते हैं। कबाब को वाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर सूजी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने आधा कटोरी सूजी ली हुई है। इसको हम मिक्सचर में डाल देंगे और हाथ से ही मैश कर लेंगे क्योंकि मिक्सचर को स्पून से मिक्स करना पॉसिबल नहीं होगा। रेडी मिक्सचर के हम डिफरेंट शेप्स बना देंगे। यहाँ पर मैंने राउंड शेप ली है, इसको तो बनाना बहुत ही आसान है। इसी राउंड शेप को थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैंने हार्ट शेप भी बनाई है। ये देखिए, मैं आपको हाथ में उठाकर दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी शेप बनी हुई है। और कबाब खाने का मज़ा भी तभी है जब आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना कर दें। ये मैंने कटलेट की शेप दी है, इसी का ही वर्जन ये है। इसके साथ ही मैंने स्मॉल बॉल्स भी बनाई हुई हैं। तो ये हमारी डिफरेंट शेप्स अब फ्राई करने के लिए रेडी हैं। फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल डालकर इसको हम गरम कर लेंगे और इसमें एक एक करके कबाब डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेक लेंगे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कबाब रेडी हैं। आप इसको सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।